उदाहरण एक, 15 सेंटीमीटर फोकस वाले गोली उत्तल दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। हल। यहां प्रश्न में हमें बताया गया है कि यदि गोली उत्तल दर्पण हम MM' लें और वस्तु जो है AB, प्रश्नानुसार MM' एक गोली उत्तल दर्पण है और दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित AB वस्तु है। इस वस्तु से आपतित किरण दर्पण पर जो हमें दिखाई दे रही है वह मुख्य अक्ष के समानांतर है। इस आपतित किरण के लिए यह परावर्तित किरण है और AB वस्तु से एक आपतित किरण जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है उसी दिशा में उसमें परावर्तन भी दिखाई दे रहा है। जब हम इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह दर्पण का फोकस है। इसी प्रकार यह जब इस परावर्तित किरण को जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहां पर हमें यह सी प्राप्त हो रहा है और इस बिंदु पर इस परावर्तित किरण को बढ़ाने पर जो लाइन है और यहां पर जो लाइन है उसका प्रतिच्छेद बिंदु दिखाई दे रहा है। यहीं पर हमें इस AB वस्तु की इमेज A'B' यानी कि प्रतिबिंब AB वस्तु का जो प्रतिबिंब है A'B' वो हमें दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न में कहा गया है कि गोलीय उत्तल दर्पण से जो वस्तु की दूरी है यानी कि U बराबर 10 सेंटीमीटर। यदि हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग करें तो ये हमें लेना होगा -10 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके अलावा हमें बताया गया है कि जो फोकस दूरी है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो जब हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो ये फोकस दूरी हमें कितनी लेनी होगी, धनात्मक में 15 सेंटीमीटर। चूंकि हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है इसलिए हम किसका उपयोग करेंगे, दर्पण के सूत्र का यानी फोकस दूरी ज्ञात करने वाले सूत्र का। तो हम जानते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या है हमारे पास जिससे हम फोकस दूरी ज्ञात करते हैं, 1/F बराबर 1/U धन 1/V। यहां F और U का मान रखने पर चलिए F का मान कितना है 15 सेंटीमीटर जो कि धनात्मक में हमने लिया है और U का मान है -10 सेंटीमीटर। V का मान हमें ज्ञात करना है, इसे हल कर ले तो पक्षांतर करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1/V बराबर 1/15 धन 1/10। इसे आगे हल करते हैं, हम देखेंगे कि 1/V बराबर हमें क्या मिलेगा, हम इसका लघुत्तम समापवर्तक ले लें हर का तो यहां पर आ जाएगा 30 और फिर हल करने पर प्राप्त होगा 2/3 यानी कि 1/V का जो मान होगा वो हो जाएगा 5/30 और इसे हम लिख सकते हैं 1/V बराबर 1/6। तो हमें V का कितना मान प्राप्त हुआ, V बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे हल करते हैं, V का मान हमें 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ था यानी हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात हो गई है। अब हमें प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करना है, इसके लिए हम गोली उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं। इसका रेखीय आवर्धन m बराबर कितना होता है, m बराबर हम लिखेंगे -V/U। अब V का मान हमारे पास है और U भी है तो इनके मान को रख दें तो -6/U का मान हमने लिया है, प्रश्न में दिया गया है 10 और वह ऋणात्मक लिया है हमने तो यह हुआ -10। M का मान हमें क्या मिलेगा,
6/10, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.6। अब हम इसके लिए निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार पे हम बात कर सकते हैं कि गोली उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से छः सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, क्योंकि हमें V कितना मिला है, 6 सेंटीमीटर। साथ ही V का मान धनात्मक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। धनात्मक मान जो है वो क्या बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, आभासी। इसका धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है। चलिए आगे हल करते हैं। V के मान से हमें वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति पता चली है। अब चूंकि हमारे पास M का मान आया है 0.6, तो हम वस्तु की प्रकृति और आकार के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि M का मान जो है धनात्मक है, धनात्मक व 1 से छोटा है। छोटा मान जो है किस बारे में इंगित कर रहा है, हमें वह यह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा और वस्तु से छोटा होगा। छोटा होने को दर्शाता है। इस प्रकार हमें वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार पता चले। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ।